Forget Baghi, forget Commando, forget Rocky Handsome, forget Pathan, forget War, forget Tiger, forget every action movie because Skin is the best action movie ever made in Bollywood. एक होता है मूवी में एक्शन होना, लेकिन इसमें एक्शन में मूवी है। 70% मूवी में बस एक्शन ही है और वायलेंस भर भर के है। एनिमल इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर बात करूँ प्लॉट की तो एक ट्रेन है जो रांची से दिल्ली जा रही होती है और उसमें कुछ लुटेरे चढ़ जाते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्नैच एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे। और इसी लूट पार्ट के दौरान हीरोइन फंस जाती है और हमारा हीरो जो एक एनएसजी कमांडो होता है वो इसी ट्रेन में होता है। क्या वो हीरोइन और बाकी के पैसेंजर को बचा पाता है या नहीं, यही कहानी है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है। बाकी बॉलीवुड मूवीज में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, लव स्टोरीज फलाना ढिमकाना दिखा के एक घंटा ले लेते हैं, लेकिन ये मूवी मुद्दे में आने में बस 15 से 20 मिनट लेती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग व्हिच इज एक्शन। फर्स्ट हाफ का जो एक्शन है इसमें हीरो थोड़ा तमीज से मारता है, लेकिन सेकंड हाफ में हीरो साइको बन जाता है। कभी किसी का मुंह तोड़ देता है, कभी किसी के आंख में चाकू घुसेर देता है, कभी किसी के मुंह में फायर एक्सटिंग्विशर डाल देता है और कभी किसी को जिंदा चला देता है। इट इज इनसेन। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो लक्ष्य इनकी पहली मूवी है, इज गोइंग टू गिव अ टफ फाइट टू विद्युत एंड टाइगर। जिस तरह से उन्होंने एक्शन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन हो गया, अदर एक्शन मूव्स हो गया, ही इज एक्सट्रीमली गुड। तानिया मानिकतला उनका छोटा सा रोल है बट शी इज आल्सो गुड। राघव एज ए विलेन उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन विलेन के रोल के लिए वो पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लगे। विलेन के रोल के लिए एक हट्टा कट्टा मस्कुलर चेहरे में एक आतंक होना चाहिए था, जैसे फोर्स मूवी में विद्युत को देख के एक डर सा फील होता था, वही मिसिंग है राघव के केस में। सो इन द एंड अगर आप एक्शन मूवीज के फैन हो, अगर आप ब्रूटल वायलेंट टाइप की एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हो, यू रियली कांट मिस दिस मूवी। इट इज जस्ट अ हेल ऑफ अ राइड। मैं इस मूवी को देता हूँ 5 out of 5 स्टार। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।